10 ईयर टाइम्स क्वेश्चन आके गया है, उनका डिस्कशन हम अभी आप स्टार्ट करने वाले हैं। सो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसमें फ्लूइड मतलब क्या है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। फ्लूइड मतलब क्या होता है? सब्सटेंस विच कैन फ्लो, ऐसा मतलब सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी है। कौन सी टेंडेंसी है? कि वो फ्लो हो सकता है। फ्लो होने की जो टेंडेंसी होती है, जिस सब्सटेंस के पास होती है, उसको बोला जाता है फ्लूइड। अब फ्लूइड में हम कंसीडर करते हैं बेसिकली लिक्विड एंड गैसेस को, लेकिन यहां पे हमने पहले डिसाइड किया है कि इस सेक्शन में हम सिर्फ मैटर में सॉलिड्स एंड लिक्विड इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गैसेस के बारे में डिस्कस करने के लिए हमने थर्मल सेक्शन में अलग से एक टॉपिक बना के रखा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो यहाँ पे गैस का हम इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड से रिलेटेड आज हम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, अब ये विस्कोसिटी मतलब होती क्या है? एकदम सिंपल कंसेप्ट है। देखो वर्ड के ऊपर मत जाओ, वर्ड देख के ऐसे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है ना, हमारा नहीं है, कहां से आ गया, क्या मीनिंग होगी इसकी। एकदम सिंपल प्रोसेस है कि जब भी लिक्विड फ्लो होता है, व्हेन एवर लिक्विड फ्लोज, फिर वो सरफेस के ऊपर से फ्लो हो रहा है या फिर पाइप में से फ्लो हो रहा है, जब भी ये लिक्विड फ्लो होता है तब उसका एक्चुअल में फ्लो जो होता है उसमें एक मैकेनिज्म होता है। कि क्या होता है कि पहले लिक्विड की एक लेयर होती है, उसके ऊपर और एक लेयर होती है, उसके ऊपर और एक लेयर होती है, उसके ऊपर और एक लेयर होती है। इस तरह से लिक्विड के लेयर के ऊपर लेयर होती है। एंड जब भी लिक्विड पाइप में से या फिर फ्लोर पे प्रोपागेट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, पांगतो है, पसरतो है, ऐसी कंडीशन आती है, तो उसमें होता क्या है मालूम क्या एक्चुअल में? कि पहली जो लेयर होती है, दूसरी लेयर उसके ऊपर स्लिप होती है। समझ रहे हैं आप? स्लिप होती है, मतलब पहली लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरी मोशन, दूसरी लेयर जो वो मोशन परफॉर्म करती है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, अभी यहां पे लिख के देता हूं कि व्हेन फ्लूइड फ्लोज वन लेयर ऑफ गिवन फ्लूइड स्लिप्स ओवर अनदर लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो है वो स्लिप होती है, इसी मैकेनिज्म से, इसी तरह से एक लेवर के ऊपर की लेवल आ गई, वो स्लिप होके आगे चली गई, फिर उसके ऊपर की और एक लेवर है वो और आगे चली गई। इस तरह से फ्लूइड जो है वो फ्लो होता है या फिर प्रोपागेट होता है, ठीक है। तो इस स्लिपिंग की प्रोसेस में, इस मैकेनिज्म में होता क्या है, देखो कि हर एक लेयर जो है विथ रिस्पेक्ट टू नेबरिंग लेयर, मतलब ये लेयर है नीचे की लेयर एंड ऊपर की लेयर के रिस्पेक्ट में एक टेंजेंशियल फोर्स जो है ये हर दो लेयर के बिटवीन एक्ट होता है। एंड उस टेंजेंशियल फोर्स का काम होता है कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड इसको अपोज करना, ठीक है। तो यहां पे मैं आगे लिख सकता हूं कि अ टेंजेंशियल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है कि होता क्या है कि जब भी कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि फ्लूइड की एक लेयर होती है, दूसरी लेयर पहले लेयर के ऊपर फ्लो होती है, मतलब स्लिप होती है। एंड इस स्लिपिंग के मैकेनिज्म में, इस स्लिपिंग की प्रोसेस में दो लेयर के बिटवीन एक फोर्स इंड्यूस्ड होता है जिसका काम होता है अपोज करना। किसको अपोज करना? दो लेयर के रिलेटिव मोशन को अपोज करना। यानी कि जब हम फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, है ना, कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का होने वाला है, उस फ्रिक्शन में भी हम देखते हैं कि फ्रिक्शन का काम क्या होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट उसको अपोज करना। सॉरी तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो काम सॉलिड्स इन कॉन्टेक्ट में होता है, वही काम इस जो फोर्स हम यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस फोर्स का होता है व्हेन लिक्विड के लेयर्स आर इन कॉन्टेक्ट। देखो इमेजिन करो, एकदम सिंपल कंसेप्ट है कि जब भी फ्लूइड फ्लो होगा, प्रोपागेट होगा, उस केस में क्या होगा, एक लेयर होगी फ्लूइड की जो दूसरे लेयर के मोशन को अपोज करेगी, और उस अपोज की वजह से क्या होगा कि एक्चुअल में जो पूरा फ्लूइड फ्लो हो रहा था उस फ्लूइड के मोशन को ही अपोज होगा।
जैसे हमें मालूम है कि रोड के ऊपर से हम व्हीकल लेके जा रहे हैं, तो वहां पे व्हीकल के जो टायर्स है एंड जो रोड का सरफेस है, इनके बिटवीन एक फ्रिक्शनल फोर्स इंड्यूस होता है जो हमारे व्हीकल के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है मतलब टायर एंड रोड का सरफेस इन कॉन्टेक्ट जो था उसमें जो फोर्स था, मतलब उस मोशन थी, उस मोशन को अपोज करने वाला फोर्स होता है, वही फोर्स लिक्विड के केस में आ रहा है। लेकिन यहां पे क्या होगा, एक लेयर होगी उसके ऊपर दूसरी लेयर है, उसके रिस्पेक्ट में वो मूव करेगी, तो इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला यहां पे एक फोर्स इंड्यूस्ड होगा एंड इस फोर्स को बोला जाएगा एज ए विस्कस फोर्स। इस फोर्स को बोला जाएगा एज ए विस्कस फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। अरे विस्कस फोर्स का मतलब क्या होगा, यहां पे मैं लिख के देता हूं, द फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ऐसा फोर्स जो लिक्विड के या फिर फ्लूइड के डिफरेंट लेयर के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हम फ्लूइड के मोशन को नहीं बोल रहे, फ्लूइड के लेयर्स के रिलेटिव मोशन को बोल रहे हैं, है ना। फ्रिक्शन फोर्स के डिफाइन करते टाइम भी हम क्या डिफाइन करते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज नहीं करता है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। उसी तरह से जो विस्कस फोर्स यहाँ पे लिक्विड के या फिर फ्लूइड के केस में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका काम क्या है कि फ्लूइड की मोशन को अपोज करना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फ्लूइड की मोशन को अपोज करने का काम विस्कस फोर्स का नहीं होता है, लिक्विड के या फिर फ्लूइड के डिफरेंट लेयर्स के बिटवीन जो रिलेटिव मोशन है उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए ये फोर्स होता है जिसको अपन यहाँ पे विस्कस फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड पे तीन पॉइंट दिख रहा है, इसके ऊपर से मैं अभी विस्कोसिटी को कंक्लूड करने वाला हूं। तो विस्कोसिटी मतलब क्या होगा, विस्कोसिटी मतलब होगा टेंडेंसी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होगा, विस्कोसिटी मीन्स टेंडेंसी। कौन सी टेंडेंसी, वही जो फोर्स कर रहा है वो करने की टेंडेंसी। अब फोर्स क्या कर रहा था, डिफरेंट लेयर्स के बिटवीन के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा था, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं विस्कोसिटी इज द टेंडेंसी एसोसिएटेड विथ फ्लूइड विच अपोजेस रिलेटिव मोशन which opposes relative motion between relative motion between different layers of fluid। ठीक है, तो लाइफ टाइम के लिए वे विस्कोसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम को भूल जाना है। विस्कोसिटी मतलब क्या है, सिंपली एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी मतलब नेचर ने जो लॉ बनाया था वो, जैसे मास को भी अपन टेंडेंसी बोलते हैं, चार्ज को भी अपन टेंडेंसी बोलते हैं, इनर्शिया को भी अपन टेंडेंसी बोलते हैं, मैग्नेटिज्म को भी अपन टेंडेंसी बोलते हैं, उसी तरह की टेंडेंसी यहां पे। बस यहां की टेंडेंसी क्या करेगी, अपोज करेगी। किसको अपोज कर रही है, ध्यान से देखो, किसको अपोज कर रही है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड के रिलेटिव मोशन को। तो ये रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, इसको अपोज करने वाली फ्लूइड की खुद की जो टेंडेंसी है उसको बोला जाता है विस्कोसिटी। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर फ्लोर के ऊपर हमने पानी डाल दिया एंड वाटर की जगह पे हमने हनी डाल दिया या फिर मर्क्यूरी डाल दी, तो क्या होगा, पानी जो है, वाटर जो है वो सडनली प्रोपागेट हो जाएगा, लेकिन अगर हनी है या फिर मर्क्यूरी है तो वो धीरे 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 आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उस हनी की केस में या फिर मर्क्यूरी की केस में ये रिलेटिव मोशन को होने वाला जो अपोज है वो हाइएस्ट है, मैक्सिमम है, मतलब कौन ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है। इसलिए हम मर्क्यूरी को या फिर हनी को कंसीडर करते हैं एज ए हाई विस्कस फ्लूइड। क्या कंसीडर करते हैं, एज ए हाई विस्कस फ्लूइड। क्यों हाई विस्कस फ्लूइड, क्योंकि उनके मोशन के केस में या फिर उनके प्रोपागेशन की केस में जो डिफरेंट लेयर्स की बिटवीन रिलेटिव मोशन होने वाली है उस मोशन को होने वाला जो अपोज है वो हाइएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा, इसलिए वो बने हाई विस्कस फ्लूइड। क्लियर है, चलो कमांड फास्ट, दिस इज ऑल अबाउट विस्कोसिटी, एकदम सिंपल कंसेप्ट थी, है क्लियर सबको, कमांड फास्ट कमेंट में, है क्लियर, क्लियर सर, ओके डन।
तो ये विस्कोसिटी है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो काम सॉलिड्स में फ्रिक्शन करता था वही काम फ्लूइड्स में कौन करेगा, विस्कोसिटी करेगी, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक लेयर के ऊपर जब दूसरी लेयर स्लिप होती है तो उनकी स्लिपिंग होना मतलब उनकी मोशन होना, एंड उसको जो अपोज होने वाला है वो अपोज कौन प्रोवाइड करने वाला है, वो अपोज प्रोवाइड करने वाला है यहां पे फ्लूइड, और जिस टेंडेंसी से वो प्रोवाइड करेगा उसको बोला जाएगा विस्कोसिटी। ठीक है, अगेन वंस अगेन, फिर से एक बार, चलो ठीक है। तो ये जो पढ़ाया था वो क्लियर हो गया या फिर से पढ़ाऊं? रिपीट करा सर। ओके ठीक है, रिपीट करते फिर से। ठीक है, लाइट आ गई फिर से अभी, तो बोर्ड पे ही करते, आपको इश्यू नहीं ना? बोर्ड दिख रहा है अभी क्लियर? यस सर। चलो अभी कमेंट करो बोर्ड पे जो है वो क्लियर दिख रहा है क्या? ओके तो बेसिकली हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था अबाउट किसके अबाउट, हाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट के अबाउट। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने स्टार्ट किया था, दैट वाज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है एकदम सिंपल कंसेप्ट, देखो होता क्या है कि हमने देखा कि जब भी फ्लूइड फ्लो होता है, जैसे कि ये पाइप का सरफेस है, जिस पाइप में से फ्लूइड फ्लो होने वाला है, तो उसमें होता क्या है कि अगर ये फर्स्ट लेयर है तो ये सेकंड लेयर इसको थोड़ी सी एडवांस करती है, ये थर्ड लेयर और आगे जाती है, ये फोर्थ लेयर और आगे बढ़ती है, और ये चेंज क्यों हुआ उसको समझने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक्स इतने डिस्टेंस पे वेलोसिटी वी थी, और थोड़ा dx अगर इतना डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी भी dv से बढ़ रही है। यानी कि क्या हो रहा है कि बेसिकली डिस्टेंस चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या हो रहा है? वेलोसिटी के चेंज होने से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और ये वेलोसिटी के चेंज होने से जो डिस्टेंस चेंज होता है उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की है, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा? ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। इसका मतलब होगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। अब इसका नोटेशन क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस होगा वन अपॉन मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो इसका एसआई यूनिट हमें मिल गया वन अपॉन सेकंड। एस आई यूनिट मिल गया मतलब हम इसके डायमेंशन डिराइव कर सकते हैं, तो इसके डायमेंशन बन गए टी माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गई वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट समझने के बाद हमें यहाँ पे इस विस्कोसिटी रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि जिस विस्कस फोर्स की हम बात कर रहे थे, जो क्या करेगा, डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड है उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, और उस फोर्स को एक्सप्लेन किया गया था बाय सर आइजैक न्यूटन। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स बोलो या फिर इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलो, ठीक है, बोथ आर सेम। मतलब ये विस्कस फोर्स क्या होता है, कैसे एक्ट होता है, अगेन इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हमारे न्यूटन साहब ने दी थी, इसलिए हम इसको विस्कस फोर्स बोलेंगे या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बोला था? तो न्यूटन ने ये बोला था कि विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, जिस एरिया में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो एरिया, एंड नंबर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी कि इसको अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो न्यूटन ने बोला था एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, देन एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी बाय डी एक्स है। यानी यहाँ पे मुझे रिलेशन मिलेगा प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी वी बाय डी एक्स। फिर से हमारा काम वही होता है, हर एक टॉपिक में कोई एक साइंटिस्ट आता है, इतनी मेहनत से हमें एक रिलेशन एक्सप्लेन करता है, उसमें क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये सारी बातें एक्सप्लेन होने के बाद हम क्या करते हैं वहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करते हैं एंड कांस्टेंट को लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड इसको बोला जाएगा ईटा। क्या बोला जाएगा? ईटा। एंड ईटा का मतलब क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये बनेगा ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाय डीएक्स। बस यहाँ पे मुझे माइनस साइन देना है। अब ये माइनस साइन जो है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कुछ भी यूज नहीं होगा, यहाँ पे बस ये माइनस साइन ये एक्सप्लेन करेगा। क्या एक्सप्लेन करेगा? निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब देखो, वेलोसिटी फ्लूइड को आगे लेके जा रही है, फोर्स उसको पीछे खींच रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने यहां पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया है, नेगेटिव साइन कंसीडर किया है। तो इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसका यूज करके हम विस्कस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ईटा के ऊपर आएंगे। ईटा, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अब ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है क्या? एकदम सिंपल कंसेप्ट हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब है क्या। चलो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नोटेशन होता है ईटा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नोटेशन क्या होता है? ईटा। अब क्या होगा ईटा, मैं यहां से डिफाइन करने वाला हूं। ठीक है, तो देखो उस फॉर्मूले को अगर मॉडिफाई करेंगे तो ईटा क्या बनेगा? ईटा बनेगा एफ अपॉन ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। एंड इसके ऊपर से अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करना है तो मैं डेफिनेशन भी बना सकता हूं। क्या बनेगी डेफिनेशन? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, किसका रेशो है? विस्कस फोर्स टू द एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये बनी डेफिनेशन किसकी? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। आगे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय ईटा, और उसका फॉर्मूला तो यही है, ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए इंटू डीवी बाय डीएक्स। अब इस इक्वेशन का यूज करके मुझे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट चाहिए, तो इसका यूनिट क्या होगा? देखो, सबसे पहले एसआई यूनिट के लिए ऊपर फोर्स है मतलब न्यूटन, यहां पे एरिया है मतलब मीटर का स्क्वायर, डीवी बाय डीएक्स का यूनिट हम पहले देख चुके हैं क्या होता है, वन अपॉन सेकंड। तो ये वन अपॉन सेकंड अगर ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया एसआई यूनिट फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एंड सेम यूनिट के ऊपर से अगर मुझे इसके डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन क्या बनेंगे? देखो, न्यूटन का मतलब एल वन एम वन टी माइनस टू, सेकंड का मतलब टी वन, डिनोमिनेटर मीटर स्क्वायर है मतलब एल टू। अब ये एल टू ऊपर आके बनेगा एल माइनस वन, एम वन टी केस में, टी के केस में माइनस टू प्लस वन मतलब ये बनेगा माइनस वन, तो एल माइनस वन एम वन टी माइनस वन, ये बन गए डायमेंशंस किसके लिए? फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एल माइनस वन एम वन टी माइनस वन। अब सेम कंसेप्ट से रिलेटेड अगर मुझे इसका सीजीएस यूनिट चाहिए तो सीजीएस यूनिट क्या होगा? न्यूटन है, न्यूटन की जगह पे आएगा डाइन, सेकंड पर मीटर स्क्वायर की जगह पे कौन आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बना इसका सीजीएस यूनिट। एंड इसी सीजीएस यूनिट को बोला जाता है एज ए पॉइज। क्या है? पॉइज।
तो पॉइज क्या है, POISE, पॉइज का मतलब क्या है, इट्स ए सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऐसा यूनिट क्या था, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट कौन है, एक तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर बोलो या फिर पॉइज बोलो। अब मुझे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एंड डाइन सेकंड पर मीटर स्क्वायर का रिलेशन चाहिए। तो देखो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो मुझे न्यूटन को अगर डाइन लिखना है तो वहां पे 10^5 लिखना पड़ेगा, ये बन गया डाइन, सेकंड की जगह पे सेकंड। मीटर को सेंटीमीटर रखना है तो 10^2 होता है, उसका स्क्वायर करने मतलब ये 4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि +4 ऊपर आके -4 बनेंगे, +5 -4 मतलब ये बनेगा 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी यहां पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 10 पॉइज। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने बोर्ड पे लिख के दी है, इज दैट क्लियर, कम ऑन फास्ट, सब क्लियर है, एक बार कमेंट करो। है क्लियर, चलो चलो कम ऑन फास्ट, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड विस्कस फोर्स, जो एक्सप्लेन किया था बाय न्यूटन का लॉ। अभी सेम कंसेप्ट विस्कोसिटी रिलेटेड हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, जिसको बोला जाता है स्टोक्स लॉ। स्टोक कौन सा, बेन स्टोक नहीं हमारा क्रिकेट वाला, ये स्टोक मतलब ये साइंटिस्ट था, ठीक है ना, बहुत पहले हो चुका है। तो स्टोक्स लॉ, अब ये स्टोक्स लॉ जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन में एप्लीकेबल है, एक ही सिचुएशन में वो एप्लीकेबल है, बाकी केस में ये एप्लीकेबल होता नहीं है। कब एप्लीकेबल है, कि सपोज कोई भी एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने फ्लूइड या फिर लिक्विड को भर के रखा है, फिल करके रखा है, एंड इस लिक्विड के अंदर अगर मैं कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी होगी, उस स्फेरिकल बॉडी को अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये स्फेरिकल बॉडी जो है वो नीचे जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक स्फेरिकल बॉडी है, उसको मैंने एयर में छोड़ दिया एंड पानी में छोड़ दिया, तो कौन सी पहले जाएगी, नीचे, एयर वाली। जो वाटर में है उसको नीचे जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो प्रॉपर टाइम में इंस्टेंटली वहां से फ्लो नहीं होगी, ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि ये फ्लूइड का एक विस्कस फोर्स होता है जो इस बॉडी के मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो स्टोक्स ने क्या बोला था कि व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी इज ड्रॉप्ड इनसाइड अ फ्लूइड, अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू अपोज इट्स मोशन। विच इज नंबर वन, directly proportional to coefficient of viscosity, number two directly proportional to radius of the body, number three directly proportional to the velocity of the body। यानी कितना सिंपल है, देखो कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी को हम लिक्विड के कंटेनर में डाल देंगे तो वो बॉडी नीचे जा रही है, नीचे जाते टाइम एयर में जितनी फास्ट जाती है उतनी फास्ट नहीं जा रही, क्योंकि फ्लूइड का विस्कस फोर्स उसकी मोशन को अपोज कर रहा है, एंड ये अपोज करने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, वो स्टोक एक्सप्लेन कर रहा है कि ये फोर्स जो है कैसा है, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा है, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, एंड तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही थी। अगर तीनों को मैं यहां पर कंबाइन करूंगा तो फोर्स के लिए फॉर्मूला बनेगा ईटा आर वी, F बनेगा प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो पहले देखा था, आर का मतलब रेडियस, वी का मतलब वेलोसिटी। तो फिर से मैं यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालूंगा तो यहां पे जो कांस्टेंट आता है वो होता है 6 pi, तो ये F इक्वल्स टू 6 pi ईटा आर वी। इतना फोर्स क्या करता है, स्फेरिकल बॉडी के मोशन को, जब वो बॉडी इस लिक्विड कॉलम में ट्रेवल करने वाली है, अपोज करता है, ठीक है। एफ इक्वल्स टू 6 pi ईटा आर वी, दिस इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। चलो कम ऑन फास्ट, है क्लियर, विस्कस फोर्स जो बॉडी की मोशन इनसाइड द लिक्विड कॉलम जो है उसको अपोज करने वाला है, कम ऑन फास्ट, क्लियर है, कमेंट करो कम ऑन फास्ट, क्लियर है क्या, ओके ठीक है, डन।
तो ये हो गया न्यूटन का लॉ, देन स्टोक का लॉ रिलेटेड टू विस्कोसिटी। अब इन दोनों को कंबाइनली कंसीडर करके हम यहाँ पे और एक नई कंसेप्ट लेके आएंगे जिसको बोला जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी छोटी सी कंसेप्ट है, टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी मतलब आपको मालूम है, टर्मिनल मतलब शेवट है ना, जैसे सीएसटी क्या है, टर्मिनल है। औरंगाबाद टर्मिनल नहीं है, मनमाड टर्मिनल नहीं है, मनमाड जंक्शन है, सीएसटी टर्मिनल है, मतलब रेलवे का ट्रैक वहां पे जाके खत्म होता है, एंड है, इसलिए उसको अपन टर्मिनल बोल रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ने के लिए एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझनी है कि इस लिक्विड कॉलम में अगर मैंने स्फेरिकल बॉडी ऐसे प्लेस कर दी, तो सबसे पहले ये बॉडी यहाँ पे छोड़ने के बाद ये बॉडी नीचे जा रही है, तो नीचे जाते टाइम सबसे पहले क्या होगा, बॉडी का जो वेट होगा यानी mg, जो बॉडी को डाउनवर्ड खींचेगा नीचे एक्ट होगा। अब मास को अपन लिखते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। अब बॉडी स्फेरिकल है, मतलब स्फेरिकल बॉडी की वॉल्यूम हम देखेंगे वो बनेगी 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो इनटू g। तो ये बना पहला फोर्स जिसको हम वेट बोल रहे हैं बॉडी का, जिसका काम है बॉडी को डाउनवर्ड खींचना नीचे लेके जा। साइमल्टेनियसली होता क्या है कि अभी जो हमने फोर्स देखा विस्कस फोर्स FV, ये बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है। अगर बॉडी नीचे जा रही थी वो ऊपर खींच रहा है, और वो फोर्स कितना होता है, इसको मैं विस्कस फोर्स बोल देता हूं, और ये विस्कस फोर्स होता है F इक्वल्स टू 6πηr इंटू वी। कितना होता है, F इक्वल्स टू 6πηr इंटू वी, इतना होता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, देखो और एक फोर्स होता है जिसको हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, पढ़ना बाकी है, जिसको बोला जाता है फोर्स ऑफ बायोन्सी। क्या बोला जाता है, फोर्स ऑफ बायोन्सी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम कल के लेक्चर में, और वो क्या एक्सप्लेन करता है कि किसी भी बॉडी को हमने अगर लिक्विड में डाल दिया तो जितनी वॉल्यूम वो बॉडी डिस्प्लेस करती है उतना ही फोर्स फ्लूइड उसको मतलब अपलिफ्ट करने के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि स्टोन होता है दगड़, छोड़ दिया वो नीचे जाता है, लेकिन अगर उड़ है उतने मास का तो वो फ्लोट करता है, क्योंकि उड़ की डेंसिटी कम है तो साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है मतलब वो फ्लूइड को ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, इसलिए फ्लूइड उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बस उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कल हम उसको अपन डिटेल में देखेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स एक्ट होगा जिसको अपन फोर्स ऑफ बायोन्सी बोलते हैं, मतलब एफबी, और एफबी कितना होता है, उतना ही होता है वेट इतने बॉडी के, बस डेंसिटी ऑफ द बॉडी की जगह पे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड लेनी पड़ती है, वॉल्यूम तो सेम रहेगी 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी, बस इतना फोर्स है। इसको डायरेक्ट एज्यूम करो, कल ये क्लियर हो जाएगा कहां से आया। यानी कंडीशन क्या है, देखो कि ये फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये फोर्स एक्ट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉडी को हमने सडनली डाल दिया, बॉडी पहले एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगी क्योंकि फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे, लेकिन जैसे बॉडी थोड़ी सी अंदर आ जाएगी एक सिचुएशन वहां पे क्रिएट होगी कि जितना वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है उतना ही यहाँ पे बायोन्सी का फोर्स एंड विस्कस फोर्स ये दोनों एक्ट होंगे। समझ रहे हो आप कि क्या होगा, जैसे बॉडी को फ्लूइड में डाल दिया वेट उसको नीचे लेकर जाएगा, इसलिए बॉडी एट द स्टार्ट एक्सेलरेशन परफॉर्म करेगी, एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, उस बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला जो डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज वेट, एंड उसको बैलेंस करने के लिए जो बायोन्सी का फोर्स एंड विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होंगे वो इक्वल बन जाएंगे, और इक्वल बन गए मतलब क्या होगा, बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो बनेगा। नेट फोर्स जीरो हो गया मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी, एंड इसी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को हम कंसिडर करेंगे एज ए टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, तो आगे क्या करना है, बस ये W इज इक्वल टू एफ बी एफ ई, इनकी वैल्यू पुट करनी है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिलता है 2/9 आर स्क्वेयर जी इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। कैसे आ गया एक्सप्रेशन, ये W इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ वी है, मतलब W एंड इन दोनों की एडिशन करेंगे, वेलोसिटी को एक साइड में लेंगे, बाकी सब टर्म को अनदर साइड में लेके जाएंगे, तो मुझे ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल रहा है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया कि क्रिटिकल सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय 2/9 आर स्क्वेयर जी, 2/9 आर स्क्वेयर जी इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा।
अब यहां पे देखो 2/9 तो नंबर है, ये 2/9 है। आर का मतलब जो बॉडी का हमने ड्रॉप किया था उसकी रेडियस है, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द बॉडी, सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड ईटा मींस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जो एक्सप्रेशन बोर्ड पे दिख रहा है वेलोसिटी वाला उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। चलो कॉमन फर्स्ट है, क्लियर टर्मिनल वेलोसिटी सबको, एकदम सिंपल है, बस वेट इज इक्वल्स टू बायोन्सी का फोर्स एंड विस्कस फोर्स एड करना है। बायोन्सी का फोर्स जो है आर्किमिडीज के साथ हम पढ़ने वाले हैं, विस्कस फोर्स तो अभी पहले पढ़ा था 5 मिनट पहले। चलो कॉमन फास्ट, क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। ओके डन। तो ये हो गया ऑल अबाउट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी रिलेटेड बस इतने ही पॉइंट है। कौन से है? पहले विस्कोसिटी मतलब क्या, देन विस्कस फोर्स मतलब क्या, देन वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, न्यूटन्स लॉ, स्टोक्स लॉ एंड देन उसके बाद में आती है टर्मिनल वेलोसिटी, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे विस्कोसिटी खत्म होती है। कितना टाइम हो गया? ठीक है 10:33 हो गए, और एक 5-7 मिनट लेता हूं बस, चलेगा ना? करो कंटिन्यू 10 मिनट के लिए। तो यहां पे विस्कोसिटी का डिस्कशन खत्म हो गया। विस्कोसिटी के बाद में और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम यहां पे देखने वाले हैं, जिसको बोला जाता है फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो, अभी फ्लूइड फ्लो होते टाइम क्या होता है, देखो ये नेचुरल सबका ऑब्जर्वेशन है, नॉर्मली इधर उधर हम इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस भी करते हैं कि घर में टैप है, नल है, उसको हमने क्या किया, ओपन किया, ठीक है ना, ऐसे गोल गोल घुमाने वाले टैप होती है, उस तरह का टैप है, नल है हमारे घर में, तो हम क्या कर रहे हैं उसको घुमा के टैप को ऑन कर रहे हैं। तो होता क्या है देखो, जब इनिशियली उसको आधा हमने ओपन किया है तब उसमें से जो लिक्विड गिर रहा है वो एकदम सिंसियरली गिरता है नीचे, पानी एकदम सिंसियरली एक ही लाइन में आता है, स्ट्रेट लाइन में, इधर उधर देखता भी नहीं, इधर उधर भागता भी नहीं है, ठीक है। तो उस टाइप के फ्लो को अपन बोलते हैं जैसे स्ट्रीम लाइन फ्लो, एकदम सिंसियर फ्लो, या फिर उसको अल्टरनेट वर्ड है दैट इज लैमिनार फ्लो, एक लाइन का फ्लो। समझ रहे हैं आप क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो में या फिर लैमिनार फ्लो में? एकदम सिंपल केस है कि होता क्या है कि कोई भी लिक्विड जब भी फ्लो हो रहा है तो फ्लो होते टाइम अगर वहां पे जो ऑब्जर्व किया हमने कि आधा टैप ओपन है तब टैप के साइज का ही पानी नीचे गिरता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में गिरता है, इधर उधर जाता ही नहीं है, उस टाइप के फ्लो को अपन स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनार फ्लो बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि व्हेन वेलोसिटी of each layer of fluid during its flow is called as streamline flow or laminar flow। समझ रहे हैं आप क्या लिखा है कि जब भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है अगर फ्लूइड के फ्लो होते टाइम जो डिफरेंट लेयर्स होने वाली है अगर सबकी लेयर की वेलोसिटी अगर सेम है इसका मतलब सब लोग साथ में ही जाने वाले हैं, इसका मतलब वो एकदम परफेक्ट एक लाइन में मतलब लैमिनार एक पर्टिकुलर डायरेक्टेड लाइन में मतलब स्ट्रीम लाइन में फ्लो होने वाले हैं, उस टाइप के फ्लो को बोला जाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर आगे जाएंगे एंड टैप को पूरा ओपन कर देंगे तो क्या होता है फिर घोल हो जाता है ना, जैसे अगर वॉश बेसिन है तो बेसिन के सारे पार्ट की तरफ वो लिक्विड मतलब वो फ्लूइड वो वाटर जो वो स्प्रेड होता है, मतलब कि वो क्या बन गया एकदम से टर्बुलेंट बन गया। सेम केस रिवर है, रिवर में संत गति ने एकदम डैम में से छोड़ा है पानी तो वो क्या करता है एक ही लाइन में एक ही लेयर की तरह फ्लो होता है जिसको अपन स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। लेकिन अगर वहां पे फ्लडेड वाटर है मतलब बारिश गिर गई धरन डैम टूट गया और फिर वाटर फ्लो होने लगा रिवर में से तो क्या होता है फिर है ना, जैसे कि मतलब आपको मालूम होगा कि कौन सी भी लेयर किधर भी घुसती है तो एकदम टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है रिवर का। सेम केस है जब टैप को अपन ओपन करते हैं तो डिफरेंट लेयर जो है वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव होने लगती है, उस टाइप के फ्लो को अपन बोलते हैं एज ए टर्बुलेंट फ्लो। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, इसके बाद में आता है टर्बुलेंट फ्लो। ऐसे दो टाइप के फ्लो होते हैं, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो में फिर क्या लिखेंगे आप, आपको आइडिया तो आ गया होगा।
टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा कि आफ्टर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी थी फ्लूइड फ्लो, उसके बाद में क्या होता है वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर बिकम्स डिफरेंट, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर बिकम्स डिफरेंट। एंड अगर ऐसे हो गया कि हर एक लेयर की वेलोसिटी जो है वो दूसरे लेयर के कंपैरिजन में चेंज हो गई, बदल गई, मतलब डिफरेंट हो गई, तो क्या होगा, कोई भी लेयर कदीपन कुटपन कसपन मूव है लगेल, एंड उस केस में जो फ्लो बनेगा उसको बोला जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन यहां पे मैंने जो वर्ड इंट्रोड्यूस किया है कि पर्टिकुलर वेलोसिटी, अब ये जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है इसको बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है इसको? क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या है? द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच फ्लो ऑफ फ्लूइड इज लैमिनार। क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी? मतलब फ्लूइड फ्लो के होने की मैक्सिमम वेलोसिटी है जहां तक का फ्लूइड फ्लो जो है वो लैमिनार है, स्ट्रीम लाइन है, एंड उससे अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो क्या होगा, वो टर्बुलेंट बन जाएगा, उसको उस वेलोसिटी को बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। सेम क्रिटिकल वेलोसिटी ग्रेविटेशन में डिफरेंट होती है, ये फ्लूइड वाली क्रिटिकल वेलोसिटी है जिसको अपन डिनोट करेंगे बाय वीसी, एंड इसका फॉर्मूला होगा एन इंटू ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू डी, या फिर इस एन को हम आर भी बोल सकते हैं, ठीक है, आर इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी। तो यहाँ पे जो आर आपको दिख रहा है ये होता है कॉन्स्टेंट, एंड इस कांस्टेंट को बोला जाता है एज ए रेनॉल्ड्स नंबर। उसके बाद में ईटा का मतलब तो मालूम ही है, क्या होता है ईटा का मतलब? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देन रो का मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो फ्लो हो रहा था, एंड डी का मतलब डायमीटर ऑफ पाइप, जिस पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है या फिर फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस पाइप क्या डायमीटर, ये होता है डी। एंड सेम एक्सप्रेशन अगर हम चेंज करेंगे तो आर के लिए क्या बनता है? क्रिटिकल वेलोसिटी इनटू रो इनटू डी डिवाइड बाय ईटा। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी अगर दी गई तो हम यहाँ पे आर कैलकुलेट कर सकते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर। एंड ये रेनॉल्ड्स नंबर रिलेटेड एक डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है कि अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से लेस है तो उस केस में जो फ्लो है उसको लैमिनार फ्लो बोला जाता है, एंड अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से बड़ा है तो उस टाइप के फ्लो को क्या बोला जाता है? टर्बुलेंट बोला जाता है। तो 2000 टू 3000 इसके इन बिटवीन क्या होगा? 2000 टू 3000 इसके इन बिटवीन जो फ्लो है वो लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने का ट्राई करेगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट फ्लूइड फ्लो, जिसमें दो टाइप के फ्लो होते हैं, एक टर्बुलेंट फ्लो एक लैमिनार फ्लो, एंड उसका चेंज होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है उसको बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा है, वेलोसिटी के यूनिट्स आपको मालूम, इसलिए मैंने लिख के नहीं दिए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे टॉपिक्स में वो इतनी है, वो सारे हमने कवर अप कर लिए। अभी सेम पार्ट इसके ऊपर दो डीपीपी आएगी, उसका डाउट सेशन होगा, देन टेस्ट विल बी देयर, एंड उसके बाद में कल का लेक्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल के लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे बर्नौलीज, टॉरेसिलीज, ईफ्लक्स, देन मैनोमीटर, प्रेशर, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी कि फ्लूइड का जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो कल के लेक्चर में कवर अप होने वाला है। तो तब तक सारे वर्कशीट कंप्लीट करो, टेस्ट में जैसे मार्क्स अभी ले रहे थे